हेलो गाइज, मेरा नाम है निकेश और आप देख रहे हैं निकेश टेक। गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आसुस जेनबुक मैक्स प्रो M2 में कैसे हम लोग गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इजी, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि गूगल कैमरा इस स्मार्टफोन में कैसे इंस्टॉल करें। और ये भी बताने वाला हूँ कि गूगल कैमरा इंस्टॉल करने के बाद कैसा इसके इमेज प्रोसेसिंग में फर्क पड़ता है, इसका इमेज प्रोसेसिंग अच्छा होता है या फिर पहले से भी खराब हो जाता है इमेज प्रोसेसिंग को लेकर के आज मैं बताने वाला हूँ गूगल कैमरा इंस्टॉल करने के बाद। गाइज, गूगल कैमरा इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल कैमरा का कुछ फाइल इनेबल करना पड़ेगा इस आसुस जेनबुक मैक्स प्रो M2 में। उसके लिए आपको सिंपली एक डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी। डेस्कटॉप में जाने के बाद आपको एक फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, ADV सेटअप उसका नाम है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं गाइज, ये जो ADV सेटअप है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। ये सिंपली आपको एक जिप फॉर्मेट में देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली इसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप ADV का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसे आपको सिंपली इंस्टॉल करना है। आपको उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ब्लू स्क्रीन खुल जाएगा। ब्लू स्क्रीन में आपसे ये परमिशन मांगेगा यस और नो में, तो आपको सिंपली वाई पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको ये 3 से 4 बार ये सेटअप मतलब ये प्रोसेस होगा, तो आपको सिंपली वाई पे क्लिक करना है और उसके बाद एंटर कर देना है। एंटर कर देने के बाद आपका सिंपली ये ऑन हो जाएगा, मतलब ADV फाइल इंस्टॉल हो जाएगा ये। और इंस्टॉल हो जाने के बाद आप सिंपली आसुस जेनबुक मैक्स प्रो M2 में आइए, और ये इसका जो फास्ट बूट मोड है इसे इनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सिंपली वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद आप सिंपली इसे आसुस जेनबुक मैक्स प्रो M2 में फास्ट बूट मोड में पहुंच जाएंगे। फास्ट बूट मोड में पहुंचने के बाद आपको सिंपली इसे अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा वाया USB। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर के लोकल डिस्क C में जाना है, और उसके बाद ADV फोल्डर आपको देखने के लिए मिलेगा। ADV फोल्डर में जाने के बाद आपको सिंपली स्विफ्ट बटन को क्लिक करना है, माउस के राइट बटन को क्लिक करना है, आपको दोनों एक साथ क्लिक करना है। उसके बाद फिर आप विंडोज सेल में पहुंच जाएंगे, विंडोज पावर सेल में। और पावर सेल में पहुंचने के बाद आप उसके बाद गाइज आपको सिंपली फास्ट बूट मोड एंटर टाइप करना है। तो उसके बाद आपको फास्ट बूट OEM इनेबल कैमरा HELF3 और ट्रू पे टाइप करना है, और उसके बाद आप इंस्टॉल हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा आपके आसुस जेनबुक मैक्स प्रो M2 मतलब कि गूगल कैमरा इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको रिबूट टाइप करके आपको इस स्मार्टफोन को रिबूट कर लेना है। रिबूट करने के बाद आप ये देख ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद आपको कुछ फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको एक गूगल पिक्सल 2 और पिक्सल 3 का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। उसे डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप गाइस ये सब इनेबल नहीं करते और पहले इंस्टॉल करते तो वो सब इंस्टॉल नहीं होगा आपके मोबाइल में। आपको सिंपली ये सब चीज प्रोसेसर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जाके के गूगल पिक्सल 2 और पिक्सल 3 का कैमरा ऐप आपके आसुस जेनबुक मैक्स प्रो M2 में इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप देख पाएंगे कि ये जो है पिक्सल 2 और पिक्सल 3 ये अच्छे से काम करेगा। और गाइस पिक्सल 2 और पिक्सल 3 मैं इसलिए दिया हूँ क्योंकि पिक्सल 2 में नाइट साइड मोड नहीं है और पिक्सल 3 के एप्लीकेशन में नाइट साइड मोड है। गाइस पिक्सल 2 का एप्लीकेशन मैं इसलिए दिया हूँ क्योंकि पिक्सल 3 में हमें सेल्फी वाला कुछ प्रॉब्लम है, सेल्फी पे अगर क्लिक करते तो सेल्फी वाला ओपन नहीं होता है, एप्लीकेशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। तो इसी कारण गाइज मैं पिक्सल 2 और पिक्सल 3 का दोनों का एप्लीकेशन दिया हूँ। तो आपको सिंपली उसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप सो गाइज मैं कुछ काम की बात करता हूँ आपके लिए कि ये जो ADV सेटअप का फाइल है वो मेरे डेस्कटॉप में इंस्टॉल नहीं हो रहा था, जिसके कारण मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। अगर आपके साथ ये सेम केस हो रहा है कि आपके डिवाइस में इंस्टॉल नहीं हो रहा है ADV सेटअप, तो उसके लिए आप सिंपली कमांड का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कमांड का यूज करें तो आप सिंपली कमेंट कीजिए मुझे, मैं इसके बारे में एक सेपरेट सा वीडियो लाऊंगा जिसके बारे में बताऊंगा कि कमांड को यूज करके कैसे आप गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइस में। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले वीडियोस का सबसे पहले। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।